अगर तुझ में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तो तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, साल 2010 में एक बॉलीवुड में गैंगस्टर फिल्म आई थी जिसको काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मिलन लुथारिया और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे एकता कपूर। दोस्तों, इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफी पसंद किया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 135 करोड़ रुपए की कमाई भी की थी। इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। इस फिल्म के डायलॉग हर किसी को आज भी याद है। इसी के तर्ज पर आज एक और फिल्म रिलीज की गई है। इस फिल्म के ट्रेलर को भी काफी पसंद किया गया, इस फिल्म के डायलॉग को भी काफी पसंद किया गया और आज इस फिल्म को भी काफी पसंद किया जाएगा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं केजीएफ फिल्म की। दोस्तों, ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में शामिल है क्योंकि इस फिल्म को जहां बुक माई शो पे 3 लाख लोगों से ज्यादा का इंटरेस्ट मिल चुका है, वहीं दूसरी बात यह है कि यह फिल्म आ रही है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ। तो बनी सी बात है दोस्तों कि इस फिल्म को मोस्ट अवेटेड तो बनना ही था क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार के साथ इस फिल्म का क्लैश होना। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हो तो उससे पहले हमारा ये वीडियो पूरा देख लो ताकि आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें पता चल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसी है फिल्म केजीएफ। दोस्तों, ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है क्योंकि इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 5 साल की मेहनत लगी है। दूसरी बात यह कि इस फिल्म को कन्नाड़ा इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है। इस फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं कन्नाड़ा के रॉकिंग स्टार यश और श्रीनिधि। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। इस फिल्म का प्लॉट भी गैंगस्टर पर आधारित है। वहीं इस फिल्म को कोलार गोल्ड फील्ड्स पर बनाया गया है। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो इस फिल्म में यश को अपने बचपन के दिनों से बताया गया है, किस तरह से वो कोलार गोल्ड फील्ड पर राज करते हैं ये इस फिल्म में बताया गया है। दोस्तों, इस फिल्म की जान है इस फिल्म के डायलॉग्स, जो कि काफी अच्छे से लिखे गए हैं और काफी अच्छे से नरेट किए गए हैं। इस फिल्म में यश ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री में कोई और कर पाता। वो इस फिल्म में एक रियल गैंगस्टर की तरह लग रहे हैं और इस फिल्म में उन्होंने अपने जो एटीट्यूड को रखा है वो लाजवाब है। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने भी काफी बढ़िया काम किया है। वहीं इस फिल्म की जान है इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस फिल्म को इस साल की सबसे अच्छी फिल्म बना दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में सबसे अच्छी चीज अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो है इस फिल्म की लोकेशंस और इस फिल्म का एक्शन, जो कि काफी लाजवाब है। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अट्रैक्टिव है कि आप इस फिल्म की कहानी के साथ बहते जाते हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय का एक आइटम नंबर भी है। वहीं इस फिल्म में तमन्ना भाटिया का एक कैमियो रोल भी है। इस फिल्म का म्यूजिक भी काफी बढ़िया है और कहानी के साथ आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस फिल्म का इंतजार कन्नाड़ा के ऑडियंस और कन्नाड़ा फिल्म इंडस्ट्री लगभग 4 सालों से कर रहे थे, जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। ये फिल्म बनने वाली है 2 पार्टों में, जिसका एक पार्ट का आज प्रीमियर है। दोस्तों, इस फिल्म का एक एक सीन काफी खूबसूरती से दिखाया गया है और इस फिल्म की लोकेशंस पर काफी काम किया गया है। दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद आप एक बार ये जरूर कहेंगे कि किसी फिल्म ने वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई का लेवल मैच किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने काफी लाजवाब काम किया है और कोई नहीं कह सकता कि उनकी ये दूसरी फिल्म है। इस फिल्म के हर एक्टर ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और इस फिल्म का एक्शन आपको एक अलग ही लेवल पर ले जाता है, क्योंकि इस फिल्म में एक अलग ही एक्शन दिखाया गया है जो कि आज तक किसी भी इंडियन फिल्म में नहीं दिखाया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो ये फिल्म काफी अच्छी फिल्म बनाई गई है जिसे आप लोगों को सिनेमा घर में ही देखना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई को पसंद करते हैं तो आपको ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह लगेगी। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं इस फिल्म को देता हूँ 4 out of 5 स्टार। और अगर आप इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पता चलते रहे। धन्यवाद।